वेलकम बैक बच्चों, आपको हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने कुछ कुछ आपको सैंपल बता दिया है, ठीक है। पिक्स भी भेजा हुआ है समझने के लिए, फिर भी कुछ वीडियोस और भेज दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा टफ हो सकता है, जैसे रूट वाले क्वेश्चन है, वो मैं करा दे रहा हूँ। तो एक सॉल्व करके क्वेश्चन है, वो इसमें टफ आपको नहीं जाएगा आई थिंक, ठीक है। क्वेश्चन फोर, एक्सरसाइज फोर का है ये, एक्सरसाइज फोर का क्वेश्चन फोर। कैन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। और एक और मैं करा दूंगा, दिस इज नंबर टेन। ओके, सो ऑन कंपेयरिंग क्वेश्चन वन, यहाँ क्वेश्चन वन डाल दीजिए विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। हियर ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू माइनस टू रूट सिक्स, सी इज इक्वल टू थ्री। ओके, बाई फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए माइनस बी माइनस और माइनस टू रूट सिक्स प्लस और माइनस टू रूट सिक्स माइनस टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए हो गया टू इंटू थ्री अपॉन टू इंटू टू। ओके, टू रूट सिक्स ये प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस सिक्स का रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स इंटू फोर का स्क्वायर या टू का स्क्वायर फोर, सिक्स फोर जै ट्वेंटी फोर माइनस फोर टू जै एट, एट थ्री जै ट्वेंटी फोर। ओके, फोर सो दिस विल बी ज़ीरो, ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर, सो टू रूट सिक्स बाई फोर या रूट सिक्स बाई टू। ओके, थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहो तो आप कर सकते हैं, कैसे, रूट सिक्स ऊपर मेरे को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट थ्री, यू कैन राइट, टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा रूट ओवर थ्री बाई टू, ठीक है। और ये प्लस माइनस में इक्वल रूट्स होगा, तो एक्स की दो वैल्यूज होगी रूट थ्री बाई टू या रूट थ्री और रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू और, ठीक है। सो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दो रूट्स आएंगे दोनों इक्वल आएंगे। ओके, क्योंकि ये डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो हो गया। एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ, सेवन नंबर, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं, सो आई एम गिविंग यू फोर का ही सेवन नंबर है ये। ओके, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं नाइन एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। ऑन कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग वन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि इसको फॉर्मूला मेथड से बोला, तो आप फॉर्मूला मेथड से जब करेंगे तो इस तरह से करेंगे, दूसरा भी तरीका बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं, डायरेक्टली उसमें आ जाएगा, ठीक है। हियर ए इज इक्वल टू नाइन, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, सी इज इक्वल टू माइनस फोर। ओके, सो सॉल्व करेंगे बाई फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए माइनस बी, आपके पास ज़ीरो है प्लस और माइनस, ये भी ज़ीरो है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फोर इंटू ए हो गया नाइन इंटू फोर माइनस फोर, ठीक है, अपॉन टू ए मीन्स टू इंटू नाइन बचेगा, तो ज़ीरो ख़त्म है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, फोर का स्क्वायर या सिक्सटीन इंटू नाइन, ठीक है, टू इंटू नाइन हो गया। अब देखो सिक्सटीन किसका स्क्वायर है, फोर का, नाइन किसका स्क्वायर है, थ्री का,
2 by 9. So you will get 2, 3. So answer will be plus or minus 2 by 3. The x ki do values aayegi, plus 2 by 3, minus 2 by 3. Okay? इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है, अगर फॉर्मूला मेथड नहीं बोला है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करने बोला है आपको, तो आप क्या करेंगे, 9x² = 4, x² = 4/9, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जैसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत छोटा सोल्यूशन है, अगर आपको फॉर्मूला मेथड नहीं बोला है तो आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बीच वाला टर्म नहीं है तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस और माइनस 2/3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। देखिए कितना, तीन लाइन में आपका काम हो गया, इतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला मेथड का यूज हुआ है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग फॉर्मूला, ओके, कि उस मेथड से हम कैसे इसको फॉलो करेंगे, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जाते हैं आपके एक्सरसाइज 5 में, यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है एक दो क्वेश्चन, ठीक है। देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड, नेक्स्ट क्लास मैं आपका ले लूँगा, उसमें नेक्स्ट चैप्टर होगा AP, ओके। इसमें भी फर्स्ट तो आपका इजी है, सेकंड में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन है, सेवन में बता दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन का 7, एक्स की वैल्यू -1/3, ये सब बता दी हूँ, ये बता दी हूँ, दूसरा बताते हैं। आई थिंक क्वाइट इजी दिस इज, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्स क्या करना है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। सो α = -1/3, β = 2/5, सम ऑफ द रूट्स, α + β = -1/3 + 2/5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स α β = -1/3 × 2/5 and required quadratic equation is x² - α + β, x + α × β = 0, x² - ये बता चुका हूँ शायद मैं आपको, 2/5 x + × 2/5 = 0, ठीक है। x² - 15 - 1 × 5 + 2 × 3 - 2/15 = 0, तो x² - -5 + 6/15, x - 2/15 = 0, और x² - 6 - 5 = 1, तो 1/15 x - 2/15 = 0। सिंप्लीफाई करने पे 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x - 2 = 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये शायद बता भी चुका हूँ आपको क्लास में, ऐसे ही आप फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक। और थर्ड तो मैं बता चुका हूँ, है ना, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डायरेक्टली ले सकते हैं आप फॉर्मूला लेके, ठीक है। पहले वैसे कोफिशिएंट लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लेना है, ठीक है। कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन AB C का वैल्यू लेकर α β = -B/A, α + β क्या होता है -B/A फार्मूले में, α × β ये होता है C/A, तो वो फार्मूला क्वेश्चन 3 में अप्लाई करेंगे, ओके। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा वो है AP, ठीक है। तो इस संडे तक आप लोग कंप्लीट करिए इसको, नेक्स्ट मंडे जब मिलेंगे तो मंडे आपका फिर से हम नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, ओके। थैंक यू।